पुलिस बनना है। देखिए हमारे देश की मतलब हमारे छोटे से मतलब जिले की बेटी है जो बड़े होकर पुलिस बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है क्या? हाँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। कहा जाता है कि मांगी थी खुशियां आसियाने की, मगर चल पड़ी आंधिया जमाने की। मेरी तो हमेशा से आदत थी मुस्कुराने की और सिर्फ मुस्कुराने की। देखिए नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए, मेरा नाम गोलू श्रीवास्तव है और आज मैं पहुंच चुका हूं स्वामी विश्वामित्र की धरती बक्सर। जी हाँ, स्वामी विश्वामित्र की धरती बक्सर के एक छोटे से गांव यानी पुराना भोजपुर में मैं पहुंचा हुआ। और कैमरा मेरी सिरा से कहेंगे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए और दिखाइए अरिहंत क्लासेस में आज पहुंचे हुए हैं, जो कि यहाँ के बच्चे ने वो कर दिखलाया है कि आप भी सोचने पे विवश हो जाइएगा। जी हाँ, यहाँ के बच्चे ने कुछ ऐसा नंबर लेके आए हैं बच्चे कि आप भी वीडियो देखिएगा तो वीडियो से हटने का मन नहीं करेगा। आइए इस कोचिंग सेंटर में मैं आपको पहुँचाता हूँ और कोचिंग सेंटर में कैमरा मैन से कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके फोकस करिए। और देखिए तमाम बच्चे छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कुछ छात्रों से हम बातचीत करेंगे और आपको भी उन छात्रों से मिलवाएंगे जो छात्र 400 से ज़्यादा अंक लेके आए हैं। और ये हमारे ज़िले के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं अभी स्वामी विश्वामित्र की धरती बक्सर में हूँ, बक्सर ज़िले के छोटा सा गांव पुराना भोजपुर में हूँ और अरिहंत क्लासेस में हूँ। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं बच्चों लोग को शिक्षा ग्रहण कराता हूँ जी, और जिसके कारण इन्होंने इस साल बहुत अच्छे मेहनत करके अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो ये सारे बच्चे बहुत ही खुश हैं और अच्छे आने वाले समय में कुछ करने के लिए बहुत प्रोत्साहित हुए हैं। तो आप इन लोग से पूछ सकते हैं कि इन्होंने क्या करना चाहते हैं। जो सबसे ज़्यादा अंक लेके आया 447 करके जो बच्चा अंक लेके आया वो कहाँ पर है? ये हमारे क्लास के सबसे अधिक मार्क्स लाने वाले हैं कृष्ण मोहन तिवारी हैं, जो धना पंचायत के रहने वाले हैं। और इन्होंने बहुत ही अच्छा मेहनत किया था और अपने प्रतिभा के बल पे बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए हैं। और फिलहाल इन्हीं लोग के बीच में कहीं होंगे, यहाँ पे हैं ये। देखिए आइए कैमरामैन थोड़ा इधर आ जाइए, आप ही सबसे ज़्यादा अंक लाए हैं जी। जी अच्छा, ये बताइए कि ये अंक लाने के पीछे का मकसद क्या है? आगे मतलब अभी तो मैट्रिक में लेके आए ना जी, तो मतलब मैट्रिक में ये इतना अच्छा अंक लेके आए हैं तो क्या मतलब आगे क्या बनना क्या चाहते हैं? आगे 12th साइंस ले करना चाहते हैं। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए कि माता मतलब कैसे फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मिडिल फैमिली से होकर भी मतलब आज इतना कुछ कर दिखाए हैं, माता पिता तो पूरी गौरवान्वित होंगी जी। जी सब। और सर भी? हाँ सर भी बहुत खुश हैं। अच्छा सर, आपको कैसा लग रहा है कि मतलब आपके जो भी कोचिंग सेंटर में जो छोटा सा तो कोचिंग सेंटर है यहाँ पे छात्र इतने अच्छे अंक लाए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए मुझे तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एक छोटे संस्थान से होकर छोटे जगह से होकर यदि बच्चे अच्छे करने लगे तो इसमें हमारा और इनके घर के और यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा है कि जो इन्होंने सुविधा प्राप्त किए हैं। हमारे तरफ से जहाँ जितना तक कोशिश होती है कि बच्चे अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ, अच्छा से अच्छा प्रतिभा दिखाएँ, अपने बड़े बड़े शहरों में जाकर अपना नाम रोशन करें, तो इन्होंने बच्चों के प्रति बहुत अधिक लगन थी जिन्होंने हम लोग ने गाइड किया और उनमें प्रोत्साहित किया कि ऐसे करने से आप लोग ऐसे बेहतर कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे मेहनत किए और यही कहेंगे कि लोग आने वाले समय में भी अपना अच्छा मतलब प्रतिभा दिखाएं ताकि अपना नाम घर का बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि जो छात्र हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो आए हैं नंबर के अनुसार वो थोड़ा यहाँ पे आ जाए और थोड़ा सा मैं उनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। तो फर्स्ट तो हमारे सामने, लेकिन सेकंड और थर्ड कौन सा बच्चा है? फिलहाल सेकेंड और थर्ड कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी आज प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं, किसी न किसी कारणवश कहीं ना कहीं चले गए हैं। ऐसे सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, सारे बच्चे लगभग 400 के ऊपर ही मार्क्स लाए हैं। और 400 के ऊपर लाने का मतलब है कि बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं जिन्होंने, बहुत ही अच्छे मेहनत किए हैं। कृष्ण मोहन तिवारी हैं, ये सारे बच्चे जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे बच्चे बहुत ही अच्छा प्रतिभा दिखाए हैं अपना। तो आप इनसे किसी से भी आप सवाल कर सकते हैं या इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल आपका बात सही है। लेकिन सर एक सवाल कहीं कहीं आपके कोचिंग सेंटर में हमको देखने को मिला कि लड़कियों से ज्यादा लड़के अंक लेके आए हैं, इसका क्या रीजन है? देखिए यहाँ जिस तरह का मतलब कि हर क्षेत्र का एक अलग मतलब कि माहौल होता है और हमारा कोशिश ज्यादातर हम यहाँ के जो भी बच्चे हैं, मेरे यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से
कम रहती है। कारण यह है कि यहाँ पर कुछ माहौल मतलब कि ऐसा है, छोटा माहौल है जिसमें जगह की कमी होती है। तो ज़्यादातर लड़कों के देखिए जितनी भी मेरे यहाँ लड़कियाँ रहती हैं, जितनी भी लड़कियाँ, उसमें सब लोगों ने बेहतर नंबर प्राप्त किया। और अचानक ये मतलब कि ये हमारा प्रोग्राम रखने के कारण सारी बच्चियाँ प्रेजेंट नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा ये कारण है कि जितनी भी बच्चियाँ लाई हैं तो कुछ बच्ची प्रेजेंट हो पाई हैं, कुछ बच्ची अचानक ये न्यूज़ देने के कारण कि आज आप लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, आपको पुरस्कार दिया जाएगा, तो उसका हम प्रेजेंट नहीं पाई हैं। और बच्चे में भी ऐसी प्रतिभा है जो दूर दूर से भी क्षेत्र में रहने के कारण इन्होंने आज जहाँ तक संभव हो सके प्रेजेंट हो पाए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए कुछ बच्चियों से भी हम आपको मिलवाएंगे और कुछ बच्चियों से बातचीत करेंगे कि इतना अच्छा अंक लाने के बाद भी आज यहाँ पे वो पहुँची हुई हैं, तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने गुरु के लिए क्या कहिएगा? हम उनके बारे में जितने भी शब्द बोले वो कम है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोग से एक और बात बोलना चाहूँगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने भी पिया है कहीं ना कहीं दहाड़ा है, तो शिक्षा से ये प्रेम ही है कि आज यहाँ पे हम भी पहुँचे हुए हैं। और कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इधर भी दिखाइए, काफ़ी छोटा सा जगह है फिर भी यहाँ पे तमाम छात्र हैं और काफ़ी अच्छे से बैठे हुए हैं। देखिए तमाम छात्राएँ भी इधर बैठी हुई हैं, तो आइए कुछ लोग से हम बातचीत करते हैं। कैमरामैन से कहें थोड़ा सा इधर आइए, आइए कुछ लोग से बात करते हैं। अच्छा, आप इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए आती हैं, कैसा पढ़ाई होता है यहाँ? बहुत अच्छा। और आज जिस तरीके से बच्चों को सम्मानित किया गया, क्या कहिएगा इस कोचिंग सेंटर के बारे में? बहुत अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाई भी होता है, अच्छे से समझ में भी, एक्सप्लेन भी अच्छा करते हैं लो सर लोग। किस क्लास में पढ़ती हैं? टेंथ में पढ़ती हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए कुछ और छात्रों से हम बातचीत करेंगे कि क्या नाम है? प्रीति कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? टेंथ क्लास में पढ़ती हैं। यहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है सर, अच्छे से पढ़ाते हैं। यस। चलिए बहुत अच्छी बात है, देखिए काफ़ी यहाँ पे जो भी छात्र हैं काफ़ी खुश हैं। और आइए कुछ और छात्रों से भी मैं आपको मिलवाता हूँ जो कि यहाँ पे छात्र हैं, और सर से भी कुछ बातचीत करेंगे। तो कैमरामैन थोड़ा इधर आइए और दिखाइए, और एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे, इधर आइए जो कि देखिए अरिहंत क्लासेस का ऊपर बोर्ड भी लगा है, और क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th सभी छात्रों का यानी यहाँ पे पढ़ाई होता है। जी, यहाँ पर जितने भी 9th क्लास से बच्चे पढ़ते हैं, 9th क्लास में गए हैं, 9th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों की सुविधा की गई है, और ये सुविधा को और बढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा मेरा कोचिंग संस्थान छोटा जगह होने के कारण मतलब कि उतना हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश रही है कि और अच्छे से अच्छे करने के लिए थोड़ा सा इनकी और व्यवस्था की ज़रूरत है, और मैं जल्द ही इसको पूरा कर लूँगा। चलिए बहुत अच्छी। अच्छा, एक छात्र यहाँ पे सुनने में है कि 10 किलोमीटर से चल के आता है, और मतलब वो छात्र कहाँ पे है? हम चाहेंगे कि थोड़ा सा वो इधर आ जाए, काफ़ी मतलब छोटा बच्चा है जो 10 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है और काफ़ी अच्छा अंक लाए, तो आप ही हैं? यस सर। कहाँ से चल के आते हैं? परमानपुर से चल के आते हैं। देखिए अच्छा, इतना अच्छा अंक लाए, कितना अंक है आपका? 353 अंक लाए हैं। इतना अच्छा अंक लाने के बाद मतलब आप यहाँ इतना मेहनत किए, तो माता पिता कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और सर के लिए क्या कहेगा कि उन्होंने आपको पढ़ाया और इतना मतलब अच्छा शिक्षा दिया कि इतना अच्छा आप कर पाए? सर का बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, और तमाम छात्र भी, आप कैमरामैन से थोड़ा सा फोकस करिए, तमाम छात्र हैं यहाँ पे। तो देखिए कुछ ऐसे छात्रों से मिलवाते हैं जो कि एग्जाम के टाइम पे स्वस्थ नहीं थे। कहा जाता है कि मांगी थी खुशियाँ आसियाने की, मगर चल पड़ी आंधिया जमाने की, मेरी तो हमेशा से आदत थी मुस्कुराने की और सिर्फ मुस्कुराने की। देखिए आज मतलब इतना अच्छा अंक लाए हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, और इनके साथ जो घटना हुआ फिर भी एग्जाम दिए और इतना अच्छा अंक लाए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था एग्जाम के टाइम पे? ऑटो पलट गया था। फिर भी मतलब ऑटो पलटने के बाद भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो थक हार के छोड़ देते हैं कि नहीं हमारा तो पैर टूट गया, ये हो गया। और क्या हुआ था आपके साथ? ऑटो पलटा था तो मतलब चोट वोट कहाँ आई थी? सर में चोट लगा था। फिर भी आप एग्जाम दिए? जी। और ये भी बच्चा, इनको भी थोड़ा सा कहेंगे फोकस करिए, आपके साथ क्या हुआ था? सर में चोट लगा था, हाथ में पूरा दाहिना साइड से घायल थे। फिर भी आप एग्जाम दिए? जी सर। देखिए ये बच्चों के पढ़ाई के प्रति जुनून ही है कि बच्चों आज इतना अच्छा अंक ला पाए हैं और इस कोचिंग सेंटर का नाम कहीं ना कहीं रोशन कर पाए हैं। और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे भी बोलेंगे कि जितने आसपास के या स्वामी विश्वामित्र की धरती के आसपास के बच्चे हैं, बक्सर के बच्चे हैं, डुमराव हो या सिमरी हो या राजपुर हो या बक्सर अहिरौली जिधर के भी बच्चे हैं, इस कोचिंग सेंटर में आइए और यहाँ पर कहीं ना कहीं पढ़िए, एक बेहतरीन पढ़ाई होता है। और अभी फिलहाल हम स्वामी विश्वामित्र की धरती बक्सर में थे, बक्सर के पुराना भोजपुर में थे, और ये पुराना भोजपुर चौक आएंगे, जितने भी छात्राएं एक बार अवार्ड को दिखाइए कैमरा में, देखिए सब लोग को अवार्ड मिला है। देखिए एक बार हम जाएंगे अवार्ड को भी थोड़ा देखिए, देखिए यही अवार्ड जो कि सबको दे के सम्मानित किया गया है। अवार्ड मिला तो आपको बहुत ही खुशी हो रही है ना? जी। और सर के बाद सर के लिए क्या कहिएगा?
जी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोगों के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा आगे जाकर आपको क्या करना है, इतना अच्छा अंक लाई है तो? मेरा टीचर बनना। क्या? नहीं मतलब आपने कहीं ना कहीं मैट्रिक में फर्स्ट आए हैं तो इतना अच्छा अंक लाए हैं तो आगे जाकर क्या बनना है? टीचर। टीचर बनना है। चलिए बहुत अच्छी। आपको आगे जाकर क्या बनना है? पुलिस। पुलिस बनना है। देखिए हमारे देश की मतलब हमारे छोटे से मतलब जिले की बेटी है जो बड़े होकर पुलिस बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है क्या? हाँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। देखिए तमाम छात्र यहाँ पे जुटे हुए हैं तो Right.